आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। जो वेजिटेबल आपको चाहिए जितनी भी, मैंने डाला है पीज, आलू, कैप्सिकम, पनीर, मसाले के लिए अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, अदरक, लहसुन, करी पत्ता। ओके, अभी स्टार्ट करेंगे गैस ऑन करके। अनियन और हरी मिर्ची डाल दी मैंने। क्योंकि मैं खाली एक कप राइस बना रही हूँ, छोटा कप, इसके लिए एक ही अनियन डाला है। पूरा अदरक, पूरा लहसुन, करी पत्ता, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव बोला है मैंने तो अनियन थोड़ा रेड करेंगे। वेजिटेबल राइस बोलती तो उसको रेड नहीं करते, उसको हल्दी डाल के येलो कर देते। अनियन सौते करने में 4-5 मिनट लगता है, एक ही अनियन है तो। अभी देखिए लाल हो रहा है, अभी टमाटर डालूंगी। नमक डाल देंगे तो टमाटर जल्दी जलेगा। टमाटर भी जलेगा और वेजिटेबल भी अभी मिक्स करती हूँ पकाने के लिए। थोड़ा आधा पकेगा तब राइस डालेंगे। मैंने नमक डाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, मेरा चावल कम है। अब मैं ढक्कन दे दूंगी, थोड़ा आलू आधा पक जाए फिर हम चावल और पानी डाल के पकाएंगे इसको। पनीर भी मैं डाल रही हूँ। ये नॉन स्टिक है तो अभी पानी डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बिना पानी पकने दो। गैस मीडियम पे है, 5 मिनट इसको पकाएंगे फिर बाद में चावल डालेंगे। ये चावल धो के मैंने भिगो के रखा है आधा घंटा, अब पानी निकाल रही हूँ क्योंकि अब जैसे ही वेजिटेबल आधा तैयार होगी चावल भी डालूंगी उसमें। अभी वेजिटेबल पक चुकी है आधी, दूसरा चावल के साथ पकेगा अभी। चावल के हिसाब से आप पानी डालिए, चावल एक कप है तो 2 कप पानी पड़ेगा, छोटा कप मैंने डाला है तो उस हिसाब से मैं पानी डालूंगी। फास्ट गैस पे रखेंगे, फिर जैसा ही बॉईल होएगा फिर थोड़ा मीडियम कर देंगे। देखिए बॉईल हो रहा है, मैं मीडियम आंच पे रख रही हूँ। थोड़े खुशबू के लिए मैं कसूरी मेथी थोड़ा डाल रही हूँ। अभी ढक रही हूँ। अब रेडी है, पर मैं अभी थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर से डालकर 2 मिनट इसको फिर दम पे रखूंगी, फिर पूरा रेडी खाने को होगा।
अभी थोड़ा मुझे दम पे रखना है, थोड़ा सा मसाला, ज्यादा नहीं क्योंकि चावल कम है। अब देखिए रेडी है, गैस बंद करती हूँ। हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी है।